इधर रीट परीक्षा 2021 के परीक्षा प्रवेश पत्र में लगातार मिल रही गलतियों की शिकायत के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलतियां करने वाले विद्यार्थियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भाषा, फोटो और जेंडर में परिवर्तन के लिए 21 सितंबर शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को इन कारणों के चलते ऑनलाइन फिर से संशोधन आवेदन कर सकते हैं वो, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही प्रसूता और दिव्यांगजनों को भी राहत दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने फॉर्म में कई गलतियां भरी हैं जिसके चलते समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और अब उन्हें 2 दिन का और वक्त दिया गया है। बता दें कि 26 सितंबर को राजस्थान में रीट परीक्षा का आयोजन होगा। 2 पारियों में परीक्षा रखी गई है। संशोधन कराने वाले अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डालने होंगे जिससे कि उनसे संपर्क कर गलतियों को सुधारा जा सके। अनेकों प्रस्ताव परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए दिए हैं। क्या इतना राज्य सरकार कर सकेगी वो राज्य सरकार के ऊपर है। मैंने पहले भी कहा, मैंने प्रश्न पत्रों के लिए भी दिया, ऐसा प्रस्ताव दिया है कि शायद पहली बार ये कर देते हैं कि साहब हमने व्हाट्सएप किया, वायरल हो गया और पकड़ा नहीं गया, क्योंकि कॉपी के नंबर तो ऊपर प्रिंट होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर मैंने व्यवस्था करी कि जिस जगह से होगा, ये हमने प्रेस से भी निवेदन किया, सरकार से भी किया, उनसे भी किया।